वेलकम टू कैम लंपी। कैम लंपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं लुजेंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इन दी रीअरेंजमेंट रिएक्शन एसाइलेशन ऑफ हाइड्रोक्रोमिक एसिड एंड फॉर्म ऑफ आइसोसाइनाइड इंटरमीडिएट एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस इंटरमीडिएट टू गेट एमाइन और इफ वी आइसोसाइनाइड ट्रीटेड विथ RnH2 यानी कि एमाइन then we get a urea derivative. This reaction known as a Luzhin rearrangement reaction. यानी कि ये rearrangement reaction में कहना क्या चाहते हैं कि अगर हमारे पास कोई hydrochromic acid होता है उसका हम acylation करते हैं। यहाँ पर hydrochromic acid दिखाया गया है R C double bond O NH OH, ये हमारा hydrochromic acid है। उसका अगर हम acylation करते हैं यानी कि R C double bond O Cl एसिड क्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो उसमें होता क्या है कि यहाँ से एक सॉरी ये एच रिमूव होगा और यहाँ से सी एल रिमूव होगा। दोनों रिमूव होके एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे लाइक दैट। एंड उसके बाद इसकी बेस के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो हमें आइसोसाइनाइड मिलता है। यानी कि अगर हम बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, एक यहाँ से NH में से हाइड्रोजन रिमूव होकर H2 रिमूव होगा, देन ये रिमूव हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। ओके, तो यहाँ पे हमें आइसोसाइनाइड मिलता है। अब इसी आइसोसाइनाइड की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं यानी कि उसमें H2O मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो हमें मिलता है RnH2। एंड इफ वी आर ट्रीटेड विथ RnH2 यानी कि एमाइन के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं आइसोसाइनाइड की तो हमें मिलता है यूरिया, यानी कि यूरिया डेरिवेटिव मिलती है। अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी पहले क्यूमिन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में या सेडिमेंटेशन रिएक्शन में हमने देखा है आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस हम कैसे करते हैं और RnH2 कैसे मिलता है। तो चलो थोड़ी सी मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म के ऊपर से हमें पता चल जाएगा कि कैसे रिएक्शन होती है, कैसे वो रिएक्ट करता है एसाइलेशन के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O N H O H यहाँ पे हाइड्रोक्रोमिक एसिड है उसकी R C डबल बॉन्ड O सी एल यानी कि एसिड क्लोराइड है। अब यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव होगा और दोनों बॉन्ड इस तरफ आ जाएंगे। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और सी एल दोनों बॉन्ड ले जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो जाएगा। और रिमूव क्या होगा, यहाँ पे एच सी एल रिमूव होगा एंड यहाँ से बॉन्ड बनेगा सीधा यहाँ पे लाइक दिस। ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O R ऐसा कुछ फॉर्मेशन होगा। अब ये जो फॉर्मेशन हुआ उसकी हम बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। यानी कि OH माइनस के साथ बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। अगर बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या, तो यहाँ से एक यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पे होगा क्या, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे नाइट्रोजन के पास, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा R C डबल बॉन्ड O N नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। ओके, ऐसा हुआ। देन अब क्या होगा कि यहाँ पे और एक रिएक्शन होगी, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, यानी कि ऐसा कुछ होगा R सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज देन N नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O एंड R। ओके, अब क्या होगा
यहाँ पे दो रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, एक साथ में ही ये दो रिएक्शन होगी। कैसे होगी? तो यहाँ से एक बॉन्ड, जैसे ही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, जैसे ही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तुरंत ही यहाँ से R रिप्लेस होके नाइट्रोजन के तरफ चला जाएगा। यानी कि हमें जो रिएक्शन में मिलेगी प्रोडक्ट वो कैसे दिखेगी? C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, N एक नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, और R प्लस ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O R ऐसा रिमूव होगा। यानी ऐसे हमें कुछ प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। अब आगे जैसे ही यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुआ होगा, ऐसे फिर से ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, यानी कि हमें जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगी वो कैसे दिखेगी? R N माइनस C डबल बॉन्ड O ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन है, यानी इसीलिए नेगेटिव चार्ज है, ये तो नेगेटिव चार्ज दे देगा यहाँ पे एक बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन के साथ, और बनेगा हमारे पास आइसोसाइनाइड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ओके, तो हमारे पास आइसोसाइनाइड यहाँ पे मिल गया है। अब ये जो आइसोसाइनाइड हमें मिला, तो अब उसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब अगर हम उसके हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी उसमें H2O मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, तो H2O मॉलिक्यूल ऐड होगा तो हमें पता है उसमें से प्राइमरी एमाइन मिलेगा, वो हमें पता है, वो हमने ऑलरेडी पहले देखा ही है। ठीक है, तो वही कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो उसमें RnH2 ऐड होगा, वो हम बाद में देखेंगे, बट उससे पहले अब उसका हमें हाइड्रोलिसिस करना है, यानी कि H2O मॉलिक्यूल उसमें ऐड करना है। अगर H2O मॉलिक्यूल उसमें ऐड करता हूँ तो क्या होगा? ऐड कहाँ पे होगा? यहाँ पे, लाइक दिस, Rn डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ऐसा है, तो कार्बन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ से ऑक्सीजन H ऐसा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, बट ये बॉन्ड कब बनेगा? जब यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा तब, यानी कि यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, अब एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पे ऐसा हुआ। अब नेक्स्ट प्रोसीजर ये होगी कि यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल एक बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, फिर से एक बार बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगी, यानी कि यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज ऐसे जनरेट हो गए। ओके, अब यहाँ से तो ये रिमूव हो गया, बट उसके साथ साथ दूसरी एक प्रोसीजर होगी। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ, यानी कि H के पास पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पे, यानी कि RnH2 बनेगा प्लस CO2 रिमूव होगा। ये हुआ हमारा एक पॉसिबिलिटी के भाई, उसमें अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ, यानी H2O मॉलिक्यूल ऐड करता हूँ, तो ये प्रोसीजर होगी, उसमें प्राइमरी एमाइन मिलता है मुझे। अब अगर उसमें RnH2 ऐड करता हूँ, यानी कि जो मेरे पास आइसोसाइनाइड ग्रुप है उसमें अगर RnH2 ऐड करता हूँ तो क्या होगा? तो इजीली है, वो देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे RnC डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है। ओके, ये हमारा आइसोसाइनाइड ग्रुप है। देन RN एक H इस तरफ है, दूसरा H पॉसिबल है यहाँ पे है, ऐसा है, ऐसा समझ लो।
ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा तुरंत ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, वैसे ही यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, नेगेटिव चार्ज चला जाएगा नाइट्रोजन के पास। ओके, अब यानी कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज बनेगा और इस तरफ भी नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन के साथ, वो कार्बन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है वो बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन के पास। यानी कि जो पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिलेगी वो ऐसे कुछ होगी। ये जो है हमारा यूरिया डेरिवेटिव है, यानी कि यूरिया है, ये ऐसा हम कह सकते हैं, यूरिया की फॉर्मेशन यहाँ से पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल कि अगर मैं ऐसा कुछ फॉर्मेशन लेता हूँ, हाइड्रोक्सामिक एसिड का एक डेरिवेटिव है बेंजीन के साथ, यानी कि फिनाइल हाइड्रोक्सामिक एसिड भी कह सकते हैं उसे। अब उसकी एसाइलेशन के साथ अगर एसाइलेशन करते हैं CH3C(OCl) के साथ, यानी कि एसिड क्लोराइड के साथ अगर मैं एसाइलेशन करता हूँ, तो जैसा हमने पहले देखा वैसे कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट देखने को मिलती है वो है बेंजीन C6H5 यानी फिनाइल C(ONH)O(C)OCl3। देन उसके बाद उसकी बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, बेस के साथ यानी कि OH- के साथ अगर मैं रिएक्शन करता हूँ तो उसमें से हमें पता है कि आइसोसाइनाइड मिलेगा, यानी कि C6H5N(C)O रिमूव, ये बनेगा आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। देन उसके बाद हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है। फर्स्ट कि अगर मैं इसी आइसोसाइनाइड का अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ, यानी कि H2O मॉलिक्यूल ऐड करता हूँ, तो हमें मिलेगा C6H5+C6H5NH2+CO2, यानी कि एनिलीन देखने को मिलेगा अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो। बट अगर मैं उसमें RNH2 ऐड करता हूँ, यानी कि मैं ऐसा समझो कि दूसरा एक एनिलीन ऐड कर लिया उसमें मैंने, ठीक है, अगर मैं उसमें एनिलीन ऐड करता हूँ तो क्या होगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट देखने को मिलती है वो है बेंजीन पे NH C(OCl)CH5। ओके, यानी कि फिनाइल डेरिवेटिव्स यहाँ पे मिलेगी, डाई फिनाइल यूरिया, थायो यूरिया भी कह सकते हैं, डाई फिनाइल यूरिया यहाँ पे हमें एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलती है। अगर उसकी हम RNH2 यानी कि फिनाइल एमाइन के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं, तो अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एनिलिन मिलेगा, अगर उसके फिनाइल एमाइन के साथ रिएक्शन करते हैं तो यूरिया डेरिवेटिव्स मिलेगी। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड इस वीडियो पे कमेंट कर दो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए तो आपको तुरंत ही पता चल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।